क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? अरे साहब, मैंने आपको इनवाइट भी किया था कि आज मेरी वाइफ का बर्थडे है। तो कौन सा तीर मारा? ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर? और तुम्हारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें? दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अग्निसाक्षी मूवी के बारे में और उसके बहुत सारे अननोन फैक्ट के बारे में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखें। अग्निसाक्षी एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म थी और इस फिल्म में हमें नजर आए थे जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, मनीषा कोइराला, दिव्या दत्ता, रवि बहल और आलोक नाथ। फिल्म को डायरेक्ट किया था पार्थो घोष ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था बिंद्रा ठाकरे ने। वहीं फिल्म की स्टोरी लिखी थी रणबीर पुष्पक ने और फिल्म में डायलॉग दिए थे हरिदय लानी ने। और ये फिल्म 15 मार्च 1996 में 175 स्क्रीन के साथ भारत में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था नदीम श्रवण ने और फिल्म के गाने लिखे थे समीर ने। इस फिल्म के एल्बम की बात करें तो संगीत नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था और जिन गायकों ने अपनी आवाज़ दी थी वो थे कुमार शानू, कविता कृष्णामूर्ति, सोनू निगम, अलका याग्निक, विनोद राठौड़, अलीसा चिनोय, जोहली मुखर्जी और बाबुल सुप्रियो। गीत ओ प्रिया ओ प्रिया जो और ओ यारा दिल ना लगाना बहुत लोकप्रिय गीत थे और भारतीय व्यापार वेबसाइट में बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग 2,80,000 इकाइयों की बिक्री के साथ इस फिल्म का साउंडट्रैक एल्बम उस वर्ष का तीसरा सबसे अधिक कमाई करने वाला एल्बम बन गया था। और फिल्म में अगर गानों की बात करें तो जो गाने थे वो उनके बोल थे ओ प्रिया तू मेरी गुल्फा में, ओ यारा दिल लगाना, वादा करो दिल, मेरे कलेजे से मुझको दिल बढ़ यारा। अब बात करते हैं इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म का बजट रखा गया था 4,75,00,000 रुपये और इस फिल्म ने फर्स्ट डे कलेक्शन किया था 55,00,000 रुपये। वहीं फिल्म ने फर्स्ट वीक कलेक्शन किया था 2,99,00,000 रुपये और इस फिल्म ने इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था 19,52,00,000 रुपये। ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो 46,00,000 रुपये। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 31,35,00,000 रुपये और वर्ल्ड में ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। उस टाइम 1996 में ये सेकंड में हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी और इस फिल्म को 6.1 की आउट ऑफ 10 आईएमडीबी रेटिंग मिली हुई है। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट के बारे में। ये फिल्म सन 1991 में आई हॉलीवुड फिल्म स्लीपिंग विद एनिमी से इंस्पायर थी और इससे पहले इस फिल्म से इंस्पायरेशन 1995 में माधुरी दीक्षित की याराना फिल्म आई थी और सन 1996 में जूही चावला की दरार फिल्म आई थी। लेकिन अग्निसाक्षी फिल्म को छोड़कर दोनों फिल्में फ्लॉप रही थी। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद से ही नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला एक दूसरे को डेट करने लगे थे। मनीषा कोइराला से पहले उनका ये रोल माधुरी दीक्षित को भी ऑफर हुआ था लेकिन तब वे याराना फिल्म के शूटिंग में बिजी थी इसलिए उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। तो ये थी 1996 में आई अग्निसाक्षी फिल्म के बारे में कुछ बातें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। यस, मेरा नाम प्रदीप चौधरी, हम आपके पड़ोस में रहने के लिए आए हैं। आज मेरी बीवी का बर्थडे है, इस सिलसिले में हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है। अगर आप लोग आएंगे तो हमारे नहीं, नहीं, नहीं मैं पार्टी में नहीं जाता। सर स्टिल नो नो यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, प्लीज प्लीज कम एलेक्स।